हेलो एवरीवन। तो हमारे आरईआर की सीरीज चल रही थी, इसमें यूनिट 3 के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MHD। तो ये रहा हमारा सिलेबस यूनिट 3 का। इसमें प्रिंसिपल और उसकी जो वर्किंग है उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बचा हुआ परफॉर्मेंस और लिमिटेशन अगली वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं MHD होता क्या है। देखो, कोई भी हीट एनर्जी या फिर कोई फ्यूल है उसको हम पहले जलाएंगे, फिर MHD का यूज करेंगे। इससे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक MHD है, या फिर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स है। इसमें क्या होता है, विदाउट अ कन्वेंशनल जनरेटर, हम कन्वेंशनल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और जो इसका सर प्रिंसिपल तो ये बताऊंगा अच्छे से। इसकी जो इफिशेंसी होती है वो करीब होती है 50% से कम होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझ लो, इसमें दो नियम आपके लगते हैं, एक होता है फैराडे और दूसरा होता है लॉरेंज। तो हम पहले इन दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके दो प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से हम कोई भी पार्टिकल को पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये तो फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ हो गया। और दूसरा लॉ क्या होता है, देखो इस फिगर से भी समझ सकते हो, कोई भी वर्किंग फ्लूड है, ठीक है, ये MHD का डायग्राम है ना, जिसमें वर्किंग फ्लूड होता है प्लाज्मा, ठीक है, उसको हम इसके थ्रू पास कराते हैं। ये जो भी एक बॉल होती है, इधर इंसुलेटिंग बॉल्स होती हैं, ये ऊपर की कैथोड बॉल होती है, नीचे की एनोड बॉल होती है। रिवर्स भी कर सकते हो, इधर एनोड दे सकते हो, इसे कैथोड दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे ये वर्किंग फ्लूड होता है आपका प्लाज्मा, इससे पास होता है, तो हमारा फराडे लॉ के हिसाब से इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चीज़ पास होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो इस कैथोड पे एनोड पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा होता है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तब वो क्या करता है कि एक फोर्स को मतलब महसूस करता है, ठीक है। वो फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू बी वी इंटू बी। वी क्या है, इसकी वेलोसिटी है, जो भी पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है। क्यू क्या है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव जो भी। बी क्या है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की भी जो भी क्षमता है या फिर कितनी तेज मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस पर डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आपका लॉरेंट्ज़ फोर्स लगता है। तो ये मैंने समझाई दिया आपको, आप इसको समझते हैं प्रिंसिपल से। देखो इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, लॉरेंज और फराडे, में पिछली बार भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हॉट आयनाइज्ड गैस होती हैं। देखो आप इसको लेते हो, मतलब कोई भी नॉर्मल फ्यूल, इसको मैं किसी फिगर समझाता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। आपका कोई भी नॉर्मल फ्यूल होता है उसको क्या करते हो, आप उसको मतलब कंबक्शन चैम्बर में जलाते हो, कंबक्शन चैम्बर में जला के उसमें एयर देते हो। उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो भी एयर होती है आपकी वो आयंस में टूट जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो क्या होता है, एक्सपेंशन नॉजल से उसे यहाँ से जो भी ये MDH जनरेटर है उसमें आप बहुत स्पीड से फ्लो कराते हैं, ये नोजल से जब निकलती हैं गैसें बहुत स्पीड से इसमें फ्लो होती हैं। उसके बाद में ये आगे का प्रोसेस होता है। आगे का प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये हमारा मतलब वर्किंग फ्लूड, मतलब जो प्लाज्मा है वो यहाँ पे आ रहा है, बाकी जो इंसुलेटिंग बॉल्स ताकि जो हमारे हीट लॉस ना हो, ठीक है, प्लाज्मा का। अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर यहाँ पे पूरे में जनरेट होता है। और हमारा जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड से जब भी हमारा कोई वर्किंग फ्लूड्स मतलब कोई पार्टिकल क्रॉस होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसके जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हमारे कैथोड और एनोड से कलेक्ट कर ली जाती है। यही यहाँ पे एक ज़ूमिड मैप है कि ये प्लाज्मा के पार्टिकल्स नहीं इधर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ से ये मतलब कलेक्ट कर ली जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे फ्लो होने लग रहा है जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही है जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल।
अब उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी वही है, ये बस दूसरे तरीके से पेश किया गया है। ये वर्किंग फ्लूड है, यहाँ पर कम्बक्शन हो रहा है, यहाँ से नोजल से इसके अंदर आयनाइज गैसें जा रही हैं और यहाँ पे मैग्नेट्स लगी हुई हैं और ये बाहर आपको आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। और जो आपका जो वर्किंग फ्लूड है यहाँ से स्ट्रीम्ड आउट हो जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। ये फिर से वापस जाकर गर्म करेंगे, फिर से इससे इस आई के चलाते रहेंगे। और अब कुछ पॉइंट्स हैं भाई, सबसे पहले कम्बक्शन चैम्बर में जाता है, उसमें हम कोई भी फ्यूल जला सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस से जला सकते हैं, कोयला वगैरह किसी से भी, आपको उसे हीट देनी है। और जो वहाँ पे हीट होती है वो करीब 2000 से 2400 केल्विन तक मतलब पहुँच जाती है कम्बक्शन चैम्बर के अंदर, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है। और नॉजल के थ्रू आप उसको वो करते हो, ठीक है। इन जनरेटर चैम्बर बेस्ड प्रिंसिपल ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ द हाई वेलोसिटी आयनाइज्ड कंडक्टिंग गैस पार्टिकल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू देयर मोशन ऑफ डायरेक्शन एंड हिंस द पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड, ये भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग गैस पार्टिकल एंड टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये बात समझने लायक है। देखो आपका अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपकी ये जो है वो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपका जो भी क्या कहते हैं फोर्स जनरेट हो रहा हो, या फिर ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपका जो भी क्या कहते हैं करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। ये मतलब ये सारे के सारे 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तीनों के तीनों। और जो इससे करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करंट को आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का, तो आप इन्वर्टर को यूज़ करके डीसी से एसी में चेंज कर सकते हो। और जो एमडीएच जनरेटर होते हैं इसमें सीडिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम और सीजियम, ये क्या करते हैं, आयनाइज टेम्परेचर होता है, मतलब जब आपको कम्बक्शन चैम्बर में उसे जलाते हो तो 2400 हो जाता है, ये ज़्यादा ना बढ़े उसको कम रखने के लिए हम उसको सीडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ये होते हैं पोटेशियम और सीजियम। इनको जो सीडिंग मटेरियल होते हैं इनको करते क्या है, मतलब नेचुरल गैस वगैरह जो भी हमारा जिस या फिर कोयला वगैरह है जिसको भी हम हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसमें मिक्स कर देते हैं इन सीडिंग मटेरियल्स को, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, हाई टेम्परेचर सेरेमिक के बने होते हैं ताकि पिघले ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये कार्बाइड से बने होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, जर्मेनियम कार्बाइड, या फिर ब्रोमाइड से बने होते हैं, या फिर सिलिकेट से बने हुए होते हैं। सो थैंक्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक प्रिंसिपल। और आप चाहें तो एग्जाम में ये वाला फिगर बना सकते हैं और उसके बाद में इसको जूम्ड इन करके ये वाला फिगर समझा दीजिए, तो इतना काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। बाकी जो भी प्रिंसिपल यूज होते हैं और जो भी वर्किंग है वो आपको समझ में आ ही गई होगी, और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।